हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं खोज डील। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन के बारे में, जिसको कुछ लोग स्त्री भी कहते हैं, कुछ लोग प्रेस भी कहते हैं, वही जिससे आप अपने कपड़ों को आयरन करते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ यूट्यूब की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप खुद डिसीजन ले सकेंगे कि आपको किस तरीके की आयरन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आयरन के बारे में ये वीडियो है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आयरन कितने तरीके की होती हैं। तो मार्केट में चार डिफरेंट टाइप्स की आयरन अवेलेबल हैं, मैं आपको उन सबके बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहले आती है ड्राई आयरन। ड्राई आयरन वही नॉर्मल वाली आयरन होती है जो आप में से और हम में से ज़्यादातर लोगों के घरों में होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक नॉर्मल आयरन बॉक्स मिलती है, उसका सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि एक तो वो सस्ती होती है और काफ़ी हल्की होती है, लेकिन वहीं उसकी एक डिसएडवांटेज भी है या ड्रॉबैक आप कह सकते हैं, और वो ये है कि जो हार्ड रिंकल्स होते हैं आपके कपड़ों पर उन पर वो ज़्यादा असरदार नहीं होती। मान लीजिए जींस टाइप का आपका कोई कपड़ा होता है और उन पर कोई हार्ड रिंकल्स हैं, तो आप उनको काफ़ी देर तक दबा कर करते रहेंगे लेकिन तब भी उन हार्ड रिंकल्स पर उसका कोई असर नहीं होता, वहाँ पर वो थोड़ी सी बेअसर होती हैं। इसके बाद दूसरा टाइप आ जाता है स्टीम आयरन का। तो जो पहले वाली टाइप थी ड्राई आयरन जो होती थी, उनमें इशू ये पकड़ा गया कि वहाँ पर जो हार्ड रिंकल्स होते हैं उन पर उनका असर कम होता है। तो जो स्टीम आयरन आई उनमें ये हुआ कि उन्होंने एक छोटा सा टैंक बना दिया, उसके अंदर आप पानी भर सकते हैं और उसी के अंदर आप फिर पानी के बाद उसको आयरन कर सकते हैं अपने कपड़ों को। और उसमें नीचे जो प्लेट होती है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां से जो आपने पानी भरा है वो स्टीम की फॉर्म में बाहर निकलता है, और जब वो स्टीम की फॉर्म में निकलता है और वो कपड़ों में जाता है और ऊपर से आप आयरन कर रहे होते हैं, तो जो हार्ड रिंकल्स होती हैं उन पर काफी बढ़िया असर होता है। और इसलिए ये जो स्टीम आयरन होती हैं ये ड्राई आयरन के मुकाबले काफी बढ़िया मानी जाती हैं, लेकिन वहीं इसका भी ड्रॉबैक है और वो ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ी सी हैवी होती हैं, और अगर ड्राई आयरन के मुकाबले में इनके प्राइस की बात करूँ तो थोड़ी सी कॉस्टली भी होती हैं। तो ये दो तरीके की पॉपुलर आयरन्स हैं जो इंडिया में काफी पॉपुलर हैं। इसके अलावा दो और तरीके के आयरन्स हैं जो इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। तो थर्ड टाइप की जो आयरन होती है उसको बोलते हैं ट्रैवल आयरन। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये ट्रैवल पर्पस के लिए बनी हुई है। तो इंडिया में तो ये इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। किसी ने दिमाग लगाया, उनको जब ट्रैवल करना था तो उनको एक ऐसी आयरन चाहिए थी जो काफी छोटी हो और इजिली उनके बैग में फिट हो सके। तो उन्होंने उसका हैंडल फोल्ड कर दिया और उसकी जो नीचे की प्लेट होती है वो भी काफी छोटी होती है, जो इमरजेंसी पर्पस के लिए ही काम में आ सकती है, तो उसको कह देते हैं ट्रैवल आयरन। लेकिन इंडिया में ये इतनी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए आपको हर नुक्कड़ पे एक आयरन वाले की दुकान मिल जाएगी, छोटी सी किसी जगह पर वो बैठा होता है और आप अपने कपड़े आयरन करा सकते हैं, और ये हर नुक्कड़ पे आपको मिल जाएगा। तो इंडिया में ये इतनी पॉपुलर नहीं है। फोर्थ टाइप आ जाता है, जो लास्ट टाइप है, जो आजकल काफी बढ़िया चल रहा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहा है। आपने सुना होगा आजकल काफी सारे डिवाइसेज हैं, गैजेट्स हैं, जो कॉर्डलेस होते जा रहे हैं, यानी कि वायर फ्री होते जा रहे हैं, उनमें वायर नहीं होता। सेम आयरन के कॉन्सेप्ट में भी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसको बोलते हैं कॉर्डलेस आयरन, जो कि फोर्थ टाइप है। इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि इसमें कॉर्ड नहीं होती, यानी कि वायर नहीं होता। तो ये काम कैसे करता है, तो उसके लिए समझ लीजिए, इसमें आपको एक छोटी सी यूनिट मिलती है, स्टैंड बोल सकते हो आप उसको, डॉकिंग स्टैंड, और उसमें वायर कनेक्टेड होता है। आप उसको अपने सॉकेट में लगा सकते हैं और स्टैंड को अपने पास रख सकते हैं जहां पर आप अपने कपड़े आयरन कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप अपनी आयरन रख सकते हैं। जैसे ही आप उसके ऊपर आयरन रखेंगे तो आयरन का उसके साथ कॉन्टैक्ट होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और आयरन हीटअप होने लगती है, और जैसे ही आपको वो यूज करनी है तो आप उसको उठाइए और अपने कपड़ों पर आयरन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसमें सबसे बढ़िया एडवांटेज ये हो जाती है, क्योंकि इसमें कॉर्ड नहीं है तो काफी फ्री मूवमेंट आप कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में उसको घुमा सकते हैं और काफी ईजी हो जाता है कपड़ों पर आयरन करना। लेकिन वहीं इसकी भी एक डिसएडवांटेज है, या फिर ड्रॉबैक आप कह सकते हैं, और वो ड्रॉबैक ये है कि जब आप इसको अपने कपड़ों पर आयरन कर रहे होते हैं तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, कोई वायर कनेक्शन नहीं है, तो जो ये हीट हुआ हुआ आयरन का पार्ट है वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगता है। नॉर्मल आयरन में जब वो आयरन कूल डाउन होती है तो उसके साथ वायर कनेक्टेड होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है, और जैसे ही वो थोड़ी ठंडी पड़ती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और आप वो अपनी आयरन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी आयरन हीटअप होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें वायर कनेक्टेड नहीं है तो दोबारा हीटअप नहीं होती, एक बार वो ठंडी हो गई तो आपको क्या करना है, या तो आप जल्दी जल्दी अपने जो एक कपड़ा है जिस पर आप आयरन कर रहे हैं एक पूरे पीस पर आप आयरन कर लीजिए, फिर उसको वापस स्टैंड पर लगाइए, इतने आप इसका
कपड़े को फोल्ड कीजिए, दूसरा बिछाइए और उसके बाद इसको इतनी देर में वो गर्म हो जाएगी उसको दोबारा यूज़ कर लीजिए, या फिर आप उसको स्टैंड पर रखिए और फिर थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए उसके दोबारा गर्म होने का और फिर आप उसको कर सकते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो ट्रैवल वाली जो आयरन होती है और कॉर्डलेस आयरन होती है, ये काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंडिया में इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। इंडिया में अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो आपके लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप ड्राई आयरन या स्टीम आयरन कंसीडर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ आयरन के बाद अब बात कर लेते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको कंसीडर करने चाहिए आयरन खरीदते समय। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सोल प्लेट। अब सोल प्लेट किसे कहते हैं वो समझ लीजिए, जो आपकी आयरन की नीचे की प्लेट होती है जो गर्म होती है उसको सोल प्लेट कहते हैं, और ये चार टाइप्स की होती है। सबसे पहली एल्यूमिनियम, जो कि काफी सस्ती होती है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये कपड़ों पे चिपकती है, तो इसलिए इसके ऊपर उन्होंने फिर दूसरी एक लेयर लेके आए जिसको कहते हैं हम नॉन स्टिक सोल प्लेट। नॉन स्टिक में जो एल्यूमिनियम की प्लेट होती है उसके ऊपर एक लेयर लगा दी जाती है जो कि कपड़ों पर चिपकती नहीं है, ये एल्यूमिनियम वाली सोल प्लेट से काफी बढ़िया होती है। तीसरा टाइप आ जाता है सेरामिक का। सेरामिक का जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, इसमें सेरामिक की कोटिंग होती है, एल्यूमिनियम की प्लेट होती है लेकिन उसके ऊपर सेरामिक की कोटिंग हो जाती है, तो ये काफी बढ़िया हो जाती है, इसमें चिपकने का कोई मतलब नहीं होता और ये एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक इन दोनों से ही बढ़िया हो जाती है। लास्ट टाइप आ जाता है सोल प्लेट का स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है आपको पता है और काफी बढ़िया भी माना जाता है, लेकिन इंडिया में स्टील वाली आयरन्स काफी कम अवेलेबल है, ज्यादातर आपको नॉन स्टिक सेरामिक एल्यूमिनियम ये वाली मिलेंगी, तो आपको इन्हीं में से चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आयरन का वेट। अब आप लोगों को पता होगा जब आप आयरन यूज कर रहे हैं, काफी सारे कपड़ों को आप आयरन कर रहे हैं एक साथ, तो बहुत देर तक उसको यूज करने के बाद आपके हाथ में भी दर्द हो सकता है अगर उसका वेट ज्यादा है तो वेट आप कंसीडर कीजिए। जितनी भी इंडिया में आयरन्स अवेलेबल हैं उनके अगर मैं वेट की बात करूं तो ड्राई आयरन काफी हल्की होती है, स्टीम आयरन थोड़ी हैवी हो जाती है, ऊपर से उनके अंदर वाटर टैंक होता है जिसमें आपको पानी भी भरना होता है, तो अगर मैं वेट की बात करूं तो ड्राई आयरन्स का जो वेट आपको मिलेगा वो 500 से 600 ग्राम कम से कम और मैक्सिमम 1.5 से 2.25 किलो तक का उनका मैक्सिमम वेट होता है। तो जब भी आप ड्राई आयरन खरीद रहे हैं कंसीडर कीजिए वेट कितना है उस आयरन का और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वॉटेज का। अब इसको सिंपल तरीके से आप ऐसे समझिए, जितनी भी ड्राई आयरन्स इंडिया में अवेलेबल है वो कम से कम 1000 वॉट की आपको मिल जाएंगी, उससे नीचे भी मिल सकती है और मैक्सिमम 2000 वॉट तक की आपको मिलेंगी। अब इसमें ये देखिए कि जितनी कम वॉट की आपको मिल रही है उसका एक प्लस पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी। प्लस पॉइंट ये है कि अगर उसकी वॉटेज कम है तो आपका बिजली का बिल कम आएगा, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगी हीट अप होने में, और अगर उसकी वॉटेज ज़्यादा है तो वो जल्दी हीट अप हो जाएगी लेकिन उसमें आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी आयरन फास्ट हीट अप होनी चाहिए और जल्दी आपका काम हो जाए या फिर बिजली का बिल। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है वारंटी और ड्यूरेबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ब्रांड आपको उस मॉडल पर उस प्रोडक्ट पर कितने साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। अब आयरन की बात छोड़िए, इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उन पर कम से कम 1 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी। आपको ये देखना है मैक्सिमम वारंटी कितनी मिल रही है, तो काफी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने आयरन मॉडल्स पर आपको 2 साल की वारंटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब भी आप ये पॉइंट कंसीडर करते हैं मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 2 साल वारंटी वाले आयरन ही आप कंसीडर कीजिए। अब ये थे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं जो आजकल हर आयरन मॉडल में आपको मिल जाएगा, तो इसलिए मेरे को उन्हें बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ लिस्ट बता देता हूँ। कूल टच हैंडल उसका होना चाहिए, यानी कि आयरन हीट होनी चाहिए, हैंडल हीट नहीं होना चाहिए। दूसरा जो उसकी कॉर्ड है वो स्विवल कॉर्ड होनी चाहिए, यानी कि आप उसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा लीजिए, कॉर्ड टूटनी नहीं चाहिए, जो कि काफी कॉमन इशू है आयरन के मामले में। इसके अलावा उसमें एलईडी इंडिकेटर होना चाहिए, जब आपकी आयरन ऑन है तो वो एलईडी इंडिकेटर ऑन रहना चाहिए, जब वो ऑफ हो जाए तो इंडिकेटर ऑफ हो जाना चाहिए। ऑटो ऑन ऑफ फीचर उसमें होना चाहिए, यानी कि जैसे ही आपकी आयरन ज्यादा हीट अप हो जाती है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, और जैसे ही वो कूल डाउन हो जाती है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं जो आपको कंसीडर करने होते हैं, आजकल सारे मॉडल्स में ही अवेलेबल हैं, तो जब भी आप खरीद रहे हैं एक बार इन पर नजर जरूर मार लीजिए। जब आपको सारी टाइप्स ऑफ आयरन्स के बारे में पता चल गया है और बाइंग पॉइंटर्स भी आपको पता चल गए हैं, अब आ जाता है इस वीडियो का मेन पार्ट जहां पर मैं आपको टॉप 5 मॉडल्स दिखाऊंगा ड्राई आयरन्स के। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ड्राई आयरन्स के मॉडल्स दिखाऊंगा, अगर आपको बेस्ट स्टीम आयरन्स देखनी है या कॉर्डलेस आयरन्स देखनी है तो उनके ऊपर मैं वीडियो अभी बनाने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप पब्लिश होने की डेट से कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो हो सकता है वो दोनों वीडियो भी पब्लिश हो चुकी हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए अपनी इस ड्राई आयरन की लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने जो मॉडल रखा है वो है फिलिप्स ब्रांड की तरफ से ड्राई आयरन है ये। इसका मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अगर करंट प्राइस की मैं बात करूं तो वो है 699 रुपीज, और ये अभी का प्राइस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मटेरियल की बात करूं तो जो सोल प्लेट का मटेरियल है वो एल्यूमिनियम का मटेरियल आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडिया में ज्यादातर एल्यूमिनियम मटेरियल वाली सोल प्लेट्स ही आपको मिलती है, लेकिन उसके ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग है, यानी कि वो आपके कपड़ों पर बिल्कुल नहीं चिपकेगी। पावर की बात करूं तो 750
450 वॉट इसकी करंट पावर कंजम्पशन है जो ये पावर कंज्यूम करती है, जो कि काफी कम है। वेट की बात करूं तो 540 ग्राम इसका वेट है, यानी कि आधा किलो के आसपास आप कह सकते हैं, तो काफी हल्की है। इसके अलावा कोर्ड लेंथ पे भी आपको ध्यान देना होता है। इसकी अगर मैं कोर्ड लेंथ की बात करूं तो वो है 1.6 मीटर। वारंटी की बात करूं तो 2 साल की वारंटी आपको इस मॉडल पे मिलेगी। तो मैंने आपसे कहा था 2 साल की वारंटी आपको मिलनी चाहिए, तो वो इसमें है। तो सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, प्राइस आपको बता दिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा ये अभी का प्राइस है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और ये प्राइस मैंने अमेज़न से चेक करके आपको बताया जहां पर सबसे कम प्राइस अवेलेबल था। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया हो या घट गया हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस मॉडल का और बाकी आने वाले सारे मॉडल्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर एक बार क्लिक कीजिए, अमेज़न पर विजिट कीजिए, और हो सकता है आपको थोड़े कम प्राइस में ये सेम मॉडल मिल जाए, या फिर कोई कार्ड ऑफर चल रहा हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऑफर, और आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाए। तो एक बार लिंक पर क्लिक करके अमेज़न पर विजिट जरूर कीजिए। हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन पर हमने जो मॉडल रखा है वो है ऊषा ब्रांड की तरफ से। ऊषा भी काफी पॉपुलर ब्रांड है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कैटेगरी की। अगर मैं बात करूं इसका जो मॉडल नंबर है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मॉडल का जो करंट प्राइस है वो है 559 रुपीज। इसकी अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो ये भी सेम नॉन स्टिक ड्राई आयरन है, और PTFE कोटेड सोल प्लेट है इसकी, जो कि काफी बढ़िया है, यानी कि आपके कपड़ों पर ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। पावर की बात करूं तो 1000 वॉट की पावर कंजम्पशन है इस आयरन मॉडल की। वेट की बात करूं तो 810 ग्राम इसका वेट है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है। कोर्ड की बात करूं तो कोर्ड की जो लेंथ है वो है 1.8 मीटर, और वारंटी की बात करूं तो 1 साल की आपको वारंटी मिल रही है। तो आप देखिए कि पिछले वाले मॉडल के मुकाबले थोड़ा सा इसका प्राइस कम हुआ है, लेकिन वारंटी भी कम हो गई है, 1 साल की वारंटी आपको मिल रही है। तो ये ऊषा की तरफ से था मॉडल। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो हमने मॉडल रखा है वो है बजाज ब्रांड की तरफ से। बजाज अगेन काफी पॉपुलर ब्रांड है। इस वाले आयरन का अगर मॉडल नंबर आप देखना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिजाइन भी आप देख सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इस मॉडल का जो करंट प्राइस है वो है 755 रुपीज। मटेरियल की बात करूं तो सेम नॉन स्टिक ड्राई आयरन है ये, और कोटेड सोल प्लेट इसमें भी आपको मिलेगी। पावर की बात करूं तो 1000 वॉट की पावर कंजम्पशन है इसकी, यानी कि 1000 वॉट की। वेट की बात करूं तो 790 ग्राम इसका वेट है, यानी कि अराउंड 800 ग्राम आप कह सकते हैं, और 2 साल की वारंटी इस पे भी आपको मिलती है। तो जितने भी आप ये आयरन मॉडल्स देखेंगे सबका जो प्राइस है वो अराउंड एक कैटेगरी के आसपास ही आपको मिलेगा, 550 से लेकर 700-800 तक के प्राइस रेंज के बीच में ये सारे मॉडल्स मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ड्राई आयरन के मॉडल थोड़े सस्ते होते हैं और थोड़े लाइट वेट होते हैं, तो वो सारे ही फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट मॉडल जो हमारी लिस्ट में है वो है क्रॉम्पटन ब्रांड की तरफ से, यानी कि अगेन एक और पॉपुलर ब्रांड का नाम मैंने आपको बताया। मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मॉडल की अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो वो है 631 रुपीज, काफी कम प्राइस हो जाता है। इसकी अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आपको सेम नॉन स्टिक मटेरियल की आयरन में इसमें मिलती है, कोटेड सोल प्लेट आपको मिलेगी, और वो काफी बड़े साइज की है। जितने मॉडल्स मैंने अभी आपको दिखाए थे उनके मुकाबले इस सोल प्लेट का साइज काफी बड़ा है। पावर की बात करूं तो सेम 1000 वॉट की पावर कंजम्पशन इसमें आपको मिलती है। वेट की बात करूं तो 1 किलो का इसका वेट है, और 2 साल की आपको वारंटी मिलती है। तो इसमें थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है, लेकिन पावर कंजम्पशन उतनी ही है और वारंटी भी सेम है। आज के हमारी इस वीडियो का लास्ट मॉडल जो मैंने अपनी लिस्ट में रखा है वो है महाराजा व्हाइट लाइन ब्रांड की तरफ से। अब ये जो ब्रांड है ये किचन कैटेगरी में काफी पॉपुलर है। जो घर में लेडीज होती हैं उनको पता होगा, जितने भी मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं वो ज्यादातर महाराजा व्हाइट लाइन ब्रांड की तरफ से ही मिलते हैं आपको। आपके घर में भी बेशक होगा ये, काफी इंडियन हाउस होल्ड्स में आपको इस ब्रांड के जो किचन अप्लायंसेज वो मिल जाएंगे। तो ये सेम ब्रांड आयरन्स भी बनाता है। अब ये वाली जो आयरन की मैं बात कर रहा हूँ इसका मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और लुक वाइज आप देख सकते हैं जो थोड़े पुराने जमाने का जो लुक होता था वैसा सा लुक है इस आयरन का। प्राइस की बात करूं तो इसका जो प्राइस है वो काफी कम है। जितने मॉडल्स मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं उन सब में सबसे कम प्राइस है इसका, 434 रुपीज ये इसका अभी का प्राइस है। लेकिन इसमें भी सेम सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि नॉन स्टिक ड्राई आयरन है ये, एल्यूमिनियम की सोल प्लेट इसमें आपको मिलेगी। पावर की बात करूं तो 1000 वॉट की इसकी पावर है। वेट की बात करूं तो 630 ग्राम इसका वेट है, और 2 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए, वेट भी थोड़ा सा कम है, 2 साल की वारंटी भी मिल रही है। बाकी मॉडल्स की जैसे पावर कंजम्पशन 1000 वॉट थी, इसकी भी 1000 वॉट है। थोड़ा सा जो इसका लुक है, जो डिजाइन है, वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है आप कह सकते हैं, बाकी सारे फीचर सेम है। तो अगर आप कम प्राइस में लेना चाह रहे हैं तो आप ये मॉडल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको काफ़ी भर के जानकारी दी है, टाइप्स ऑफ आयरन्स के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो आपको कंसीडर करने चाहिए, टॉप 5 ड्राई आयरन मॉडल्स मैंने आपको दिखाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। अगर आपको स्टीम आयरन और कोर्डलेस आयरन के ऊपर वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर watching the video. Goodbye.